Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Hello everyone, आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि NTA UGC NET एग्जाम नवंबर 2021 के अंदर जो है पूछे जा रहे हैं। अभी हाल में आपको पता है 20th नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए सेशन 2 लेकर आई हूँ इसी सीरीज के अंदर। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो जो है वो पोस्ट किया, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है, पहले हम उसे कवर कर लेते हैं क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है, देन हम इस वीडियो को इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ गया है एक बहुत ही स्पेशल वाला मेगा ऑफर, जिसके अंदर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अब इस टाइप के ऑफर का क्या फायदा है आपको, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर कोरोना की जो वेव है वो बातें चल रही हैं, कभी भी कोरोना की वजह से आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, रीशेड्यूल हो जाता है। तो अब हम किस टाइप से सब्सक्रिप्शन लें, हमें जो है ये चांसेस होते हैं कि भाई 6 मंथ में सब्सक्रिप्शन जो है पेपर होगा कि नहीं होगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिससे आप टेंशन फ्री रह सकते हो। पेपर आपका अगर थोड़ा रीशेड्यूल भी हो जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रख सकते हो। इसी के साथ 12 प्लस 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेना चाहते हो एक साल का सब्सक्रिप्शन, तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है अनअकैडमी के थ्रू फॉर एनटीए यूजीसी नेट कैंडिडेट्स। ये जो ऑफर है वो प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर अप्लाई होगा, आइकॉनिक पर अप्लाई नहीं होगा। डेट्स क्या है इसके लिए, 29th ऑफ नवंबर से लेकर 1st दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफर कोड जरूर याद रखिएगा SHAFALINTA शिफाली NTA। इससे क्या होगा कि जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे 6 मंथ का या 12 मंथ का या किसी और भी पैकेज के थ्रू लेते हो, तो उसके अंदर अगर आप ये रेफर कोड अप्लाई कर दोगे तो 10% का, सुने पर सुहागा वाली बात होगी, तो 10% का डिस्काउंट आपको वहाँ मिल जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर भी जो है वो सब्सक्रिप्शन ऑफर का भी फायदा हो जाएगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज इट। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रेन के बारे में, ब्रेन का वो पार्ट बताइए जो कि न्यू आइडियाज़ को लर्न करने में यूज़ होता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक हो सकता है, वैसे ये आउट ऑफ द सिलेबस भी आप इसे कह सकते हो, बट इसका करेक्ट आंसर आपका था सेरिब्रम, जो कि पूछा गया था अभी 26 डेट को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड आ जाता है NEP 2020 के ऊपर। भाई बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं NEP 2020 के, अगर हाइलाइट्स या मेन पॉइंट्स आपने नहीं पढ़े हैं उसे ज़रूर कवर अप कर लीजिएगा। उसकी वीडियो का लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, सो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बीएड कोर्स की बात की गई थी कि बीएड कोर्स कितने टाइम के अंदर कवर किया जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग, तो 4 years इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, एक सीरीज दी गई है 1, 1.5, 2.5, 4। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1 से अगर हम 1.5 जाते हैं तो 0.5 ऐड अप करना पड़ेगा, है कि नहीं। 0.5 से 2.5 जाते हैं तो 1 ऐड करना पड़ेगा, 2.5 से 4 पर जाते हैं तो 1.5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि हर बार 0.5 बढ़ता जा रहा है। पहले 0.5 ऐड करना पड़ा, फिर 1 ऐड करना पड़ा, फिर 1.5 ऐड करना पड़ा, तो अब कितना ऐड करेंगे, 2 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 इज द करेक्ट आंसर हियर, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है आपका 4th क्वेश्चन, जिसके अंदर आर्सेनिक की एक्सेप्टेबल जो है मात्रा बताई गई है पानी के अंदर कितनी है, तो ये 0.010 mg इज द राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिसलेक्सिया आपका किस डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है आपके पास। रीडिंग डिसऑर्डर इज द राइट आंसर है फॉर द डिसलेक्सिया, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन हेयर इज इट, जिसके अंदर आपको बोला गया है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन बोला गया है, ए प्रोपोजिशन इज गिवन ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द स्केयर ऑफ ऑपोजिशन जाना है। यहाँ पर अगर ए ट्रू है, ए ई आई ओ के फॉर्म में हम जो डायग्राम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ओ जो है वो फॉल्स हो गया, ओ फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बनता है या लास्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ई और ए और आई का रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं, ए ई आई ओ के अंदर अगर हम देखें सब अल्टर्न के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन बनता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, वैसे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर देके आए उनके बारे में मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन आपका आया था, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, 10 नंबर्स का एवरेज जो है वो 7 है, अगर हर नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू एवरेज क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी पुरानी एवरेज होती है उसके साथ भी वही करो जो आपके सारे नंबर्स के साथ किया गया है।
मल्टीप्लाई 11 किया गया, तो आपको न्यू एवरेज के जो पुरानी एवरेज है उसके साथ भी मल्टीप्लाई 11 कर देना है. 7 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 77 इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीजेस केज बाय द वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ. तो दोनों तीनों से जो कोज होती है, जिसका कारण होते हैं, तो वो कौन सी डिसीज है. यहाँ पर डायरिया इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, तो ये भी आपका 26 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था 26 नवंबर को. 9th क्वेश्चन पर हम चलते हैं. HTML की फुल फॉर्म आ गई है पेपर के अंदर, काफी इजी. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, और VOIP की भी फुल फॉर्म आ गई है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर हियर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि ICT के अंदर फुल फॉर्म्स एब्रीविएशन जरूर कीजिएगा. काफ़ी इजी इजी एब्रीविएशन आ रही हैं ICT में से, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, उसे ज़रूर कवर कीजिएगा. उसके अलावा ICT से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जो डिवाइसेज हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा कि वो किस काम आते हैं. जैसे कि राउटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, अलग अलग जो है वो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इसी तरीके से. ओके, तो आज की ये क्लास यहीं पर ओवर होती है. 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके. इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर आपको डेली टीच कर रही हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा जो प्रोफाइल लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो और मेरे साथ फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस आप लगा सकते हो अनअकैडमी के ऊपर. रेफर कोड आपके सामने है. अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हो अपनी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फीस में, तो इस रेफर कोड को ज़रूर याद रखेगा, जो कि है SHAFALI NTA. ओके, तो यस स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.